subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. So, जैसे कि हम आपके इंस्टाग्राम पे तो हम आते जाते रहते हैं, तो बहुत आपके अपडेट्स भी देखते हैं, बहुत अच्छा है। फोटोशूट्स की बात करें तो आपने काफ़ी ज़्यादा फोटोशूट्स किए हैं और अभी रिसेंटली आपने किया है, तो क्या कुछ उसके बारे में कहना चाहोगे? फोटोशूट मैं एक्चुअली मैं बचपन से ही मॉडलिंग करना चाहती थी, तो जब भी मुझे कोई फ़ोटोशूट के लिए बोलता है, कैटलॉग के लिए बोलता है, तो मैं चली जाती हूँ करने के लिए, तो वो मेरा टाइम पास बहुत अच्छा है। तो फोटोशूट के लिए तो यही बोलूँगी आपको कि आप भी फोटोशूट करवा, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल टू। तो आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप कराओ शूट, तो सीरियसली आप भी बहुत अच्छे लगोगे। ओके, सो ये जर्नी कैसे स्टार्ट थी, आपको कौन सी उम्र में लगा, या फिर कब यू फील लाइक कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, और किससे कैसे आपको सपोर्ट किस किस लोगों का मिला, और कितनी स्ट्रगलिंग आपकी जर्नी रही है? मेरी जर्नी में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन दिल्ली, मैंने वहाँ से आई कम्प्लीटेड माई एविएशन, देन आई गॉट सेलेक्टेड इन जेट एयरवेज, उसके बाद मैंने वो छोड़ा फिर, बिकॉज मेरी रूममेट थी तो उसकी हाइट बहुत अच्छी थी, 5'9" थी, तो वो रैम शूज़ करती थी, फिर उसके साथ एक बार मैं गई तो वहाँ पे एक कोरियोग्राफर है, उसने मुझे देखा, उसने मेरे को बोला राम शो करो, आई सेड कि मेरी तो हाइट नहीं, उसने बोला जस्ट करो बिकॉज हमें मॉडल चाहिए। मैंने किया तो मुझे वहाँ से लगा यार बहुत अच्छा काम है, 5 मिनट में बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रिंट स्टार्ट किया, फिर मैंने पैंटलून के साथ काम किया, myntra.com के साथ काम किया, फिर मैंने काफ़ी सारे हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम किया मैंने, तो मैंने ऑनलाइन तो काफ़ी काम किया है, बहुत सारे शूट्स किए हैं प्रिंट मीडिया में, फिर मैंने टीवी शोज़ एक दो किए और उसके बाद ये मूवी मुझे मिल गई। सो अब टीवी शोज़ की बात है, तो टीवी शोज़ के बारे में बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और किन किन में आपने काम किया है? मैंने रियलिटी शोज़ किए हैं, बिकॉज मैंने कोई थिएटर नहीं किया है, तो एक्टिंग सीखने के लिए मुझे लगा बेस्ट प्लेटफॉर्म है रियलिटी शोज़, तो मैंने सावधान इंडिया किया, फिर मैंने घर जमाई किया, और फिर स्विम टीम मैंने किया 6 मंथ के लिए, फिर मैंने वो छोड़ क्या दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनको एक्चुअली ग्रुप भी सेपरेट करना था, तो हमारे 2 टीम थी उसमें, तो मैं एक जुगनू की टीम में थी और एक टीके टीम था, तो उसमें हम 6 गर्ल्स थे, उसमें से एक मैं थी। सो जैसे कि आप साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं, साउथ के कौन से सुपरस्टार आपकी फेवरेट है, ये जानना चाहूँगी? मुझे आई लव NTR और महेश बाबू मुझे बहुत पसंद है, महेश बाबू को तो वहाँ पे एकदम भगवान माना जाता है, और वो बहुत अच्छा उनका सारा रोल, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा करते हैं, और लास्ट मूवी में उनके प्रमोशन पे मैं गई थी, स्पाइडर मूवी उनकी आई थी, और NTR की मूवी, और पुनीत राजकुमार वो कनाडा के सुपरस्टार हैं, तो आप बैंगलोर में जाओगे तो पुनीत राजकुमार आपको हर जगह दिखेंगे, जैसे यहाँ पे सलमान है वैसे आपको वो हर जगह पुनीत राजकुमार दिखेंगे। ओके, अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो आप बॉलीवुड में किसे एडमायर करते हो, आपका फेवरेट कौन है? प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस में, और सलमान खान, आई लव सलमान खान। ओके, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, तो आप सबसे पहले किसके साथ करना पसंद करोगे और क्यों? सलमान खान, बिकॉज मैं बचपन से बहुत स्टार्टिंग से ही मैं सोचती थी यार, मैं तो दूसरों सबको पता क्या बोलती, ये तुम्हारे जीजू जा रहे पोस्टर लगा रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ उनके लिए। एक बार तो फिलहाल मेरा शूट चल रहा था फिल्म सिटी में, स्विम टीम का ही, और मुझे पता था कि सलमान खान आया हुआ है DID में एज अ जज बन के, और आई वॉज लाइक माई गॉड मैं क्या करूँ, वैनिटी सलमान खान की यहाँ खड़ी और हमारी यहाँ पर खड़ी थी, तो मुझे लगा यार मैं कैसे जाऊँ कैसे मिलूँ, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार एज अ फैन नहीं मिलूँगी एज अ को स्टार मिलूँगी, भगवान करे हो जाए जल्दी। सो अच्छा, सलमान खान का उनका कोई डायलॉग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और उनका कोई सॉन्ग जो आप बोलो, अभी ये तो टास्क है आपके लिए, कोई डायलॉग जो आप बोलना चाहोगे, कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है उनका? हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि भूल जाओगे सांस कहाँ से ले, और अच्छा सलमान खान की अपकमिंग मूवी आ रही है भारत, उसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया, और फिर जिनको मूवी रिलीज होने वाली, तो हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर द मूवी, और क्या उनके बारे में कहना चाहोगे? मूवी के लिए मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इवन सलमान खान के लिए मैं तो कैटरीना कैफ को भी बोलूँगी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत अच्छा गेटअप है, एंड आई होप सो कि सारी मूवीज़ की तरह ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर जाए, और मैं तो बस जल्दी से जल्दी फ्री होना चाहती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँ, बिकॉज जब से मैं आई हूँ यहाँ पर मुंबई तब से बहुत थोड़ा बहुत काम लगा हुआ है, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ,
बस जैसे फ्री होती हूँ तुरंत जाती हूँ बाहर देखने। ओके, बीइंग अ सलमान खान फैन, इस मूवी में सलमान खान पांच अलग अलग कैरेक्टर्स में है और उनका पांच अलग अलग लुक है, आपका फेवरेट लुक कौन सा है? मुझे वो जो शुद्ध हिंदी में जो बात करते हैं कि वो नहीं होता उनका पास जो होता है यंग वाला जो सर्कस, हाँ यंग वाला, वो मुझे बहुत पसंद है। बात करें टिकटॉक की, आप टिकटॉक पे बहुत फेमस हो, बहुत छाए हुए हो, फैंस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते, तो ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ और क्या कुछ आपने मतलब देखा इसमें, क्या कुछ आपको लगा कि हाँ मुझे अब टिकटॉक स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको लगा? मैं एक्चुअली टिकटॉक के बारे में मैंने सुना था बट मुझे लगा सारे ऐप्स की तरह ये भी नॉर्मल होगा। तो दिसंबर में मुझे दोहा जाना था, मैं वहाँ गई तो मेरी सिस्टर वहाँ पे जॉब करती है तो वो जॉब पे चली जाती है और आई थॉट कि मैं क्या करूँ बाबा, मैं यहाँ पे एकदम फ्री रहती हूँ। फिर मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया और एक दो वीडियोस बनाए तो उसमें लाइक्स तो नहीं आया बट व्यूज़ मुझे अच्छा लगा उसमें, तो मुझे लगा यार ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि किसी को अगर एक्टिंग करना हो, थोड़ा पॉलिश्ड होना हो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे एक्ट करो और यहाँ पे कोई आपको जज भी नहीं करने वाला, कमेंट्स ऑफ कर दो। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और फिर दिसंबर के बाद मुझे अच्छे लाइक्स व्यूज़ और कमेंट्स भी मुझे पॉजिटिव वे में आने लगे, तो मुझे लगा अभी यही करो। मैं अपने वायरल शूटिंग में कभी कभी ये भी करती थी, एक दो मेरे टिकटॉक हैं वीडियोज़। हाँ देखे मैंने। ओके, बात करें टिकटॉक की, तो आप किस टिकटॉकर को फॉलो करते हो, आपका फेवरेट कौन है? मैं एक्चुअली मुझे एक्चुअली सारे टिकटॉक में जितने लोग हैं मोस्टली सब पसंद हैं और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं फैजू के साथ और बिकॉज उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी है उनके ग्रुप की, और एजे की कॉमेडी तो बहुत अच्छी है, पता नहीं वो क्रिएट कैसे करते हैं मुझे तो यही नहीं पता, उनका तो बहुत अच्छा है। और दरबार ग्रुप ये भी बहुत अच्छा है, मैं तो एक्चुअली आप पूछते रह जाओगे मैं बताती रह जाऊँगी, बहुत सारे लोग हैं तो मुझे सब पसंद है। सीरीज की बात करें यूट्यूबर की, तो यूट्यूबर में आप किसे फॉलो करते हैं, आपका फेवरेट कौन है? मुझे भुवन बाम बहुत पसंद है, आशीष चंचलानी, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। आशीष का एक्चुअली थोड़ा सा मीनिंगफुल होता है, हाँ थोड़ा बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है बट कॉमेडी उसकी बहुत अच्छी है, मे बी आपने एक देखा होगा जिसमें वो मेकअप ट्यूटोरियल होता है, वो बहुत अच्छा है, तब से मैं फॉलो करने लगी आशीष को। ओके, बात की जगह सलमान, अभी बिग बॉस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चलता है, अगर इफ आपको नेक्स्ट बिग बॉस सीजन में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती या फिर आपको कॉल आता, आपको ऑफर आता, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिग बॉस के लिए जाना तो मैं पसंद करूँगी, जाना पसंद करूँगी मैं, ऐसा कुछ नहीं, बट आई विश मैं फ्री रहूँ। और सीरियसली बहुत अच्छा है वैसे बिग बॉस के लिए। ओके, एनी अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताओ कि कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हम आपको कब देख पाएंगे अपने हिंदी सिनेमा में? साउथ सिनेमा में तो हमको देख ही लेंगे लेकिन हिंदी सिनेमा में हम आपको कब देख पाएंगे? हिंदी सिनेमा में मेरी बात हो रही है और मुझे लगा कि बहुत अच्छा कुछ काम है तो मैं पक्का आऊँगी, अभी आ रहा है कुछ ऑफर्स बट वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि नहीं यार, होता है ना कभी कभी नहीं ये करना चाहिए एक बार में अच्छा लग जाता है, तो अभी ऐसा कुछ स्क्रिप्ट मिला नहीं है मुझे, अगर मिलेगा तो मैं पक्का इसमें काम करूँगी। okay, आपको किस जॉनर की मूवी पसंद है, एक्शन सीक्वेंस पसंद है, रोमांटिक पसंद है या फिर सस्पेंस थ्रिलर पसंद है, कैसा पसंद है आपको करना? मुझे सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद है और मेरी मूवी भी सस्पेंस थ्रिलर है। अच्छा, इस मूवी में हम आपको एक्शन करते हुए देख पाएंगे कुछ? एक्शन तो नहीं, रोते हुए आप बहुत देखोगे क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, मार भी मैं खाई हूँ एक्चुअली इसमें ऐसा है, और इसमें मेरे जो अलग अलग पार्ट्स हैं आप मैं एक टाइम पे बहुत स्वीट हूँ, बहुत नॉटी हूँ, और एकदम सेकंड आप देखोगे कि मैं बहुत एटीट्यूड है मेरे में, और इसका थर्ड आप मेरा वेरिएशन देखोगे कि मैं इसमें बहुत बोल्ड भी हूँ। okay. तो सारे कलर्स आप मेरे देख लोगे इस मूवी में। सो ये तो रही कैरेक्टर की बात, रियल लाइफ में आप कैसी हैं, ये अपने जो कैरेक्टर्स है इसमें से कौन सा कैरेक्टर आपसे मिलता जुलता है रियल लाइफ में? रियल में मैं बहुत नॉटी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है प्रैंक करना, बात करना मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा जो स्टार्टिंग का पार्ट है इस मूवी में जिसमें मेरे सॉन्ग हैं और कॉलेज टाइम का है, तो रियल लाइफ में मैं वैसी हूँ। ओके, फाइनली जाने तक फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरी मूवी देखो, हिंदी में भी डब होने वाली है तो प्लीज़ मुझे देखो, मेरी मूवी का नाम है तेलुगू में ना पेरू राजा और कन्नड़ा में माय नेम इज़ राजा और हिंदी में भी यही नाम है, तो प्लीज़ मेरी मूवी देखो और मुझे फॉलो करो और थैंक यू।